कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग ओनियन हमने लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए और उनमें हमने सेल ऑब्जर्व किया था, जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उसको ऑब्जर्व किया था। और हमने देखा था कि उनकी जो साइज़ और शेप है वो बिल्कुल एक ही जैसी है, भले ही उन ओनियन बल्ब्स का जो साइज़ है वो अलग अलग है, उनका शेप अलग अलग है, लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन दोनों के, वो दोनों एक ही साइज़ के हैं, एक ही शेप के हैं, सिमिलर हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों वो एक ही तरह दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। क्या कह रहा है बच्चों कि दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। जो भी स्ट्रक्चर्स थे माइक्रोस्कोप द्वारा जो हमने देखा था वो सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे थे, सिमिलर थे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। ये एक दूसरे के साथ ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलके ओनियन बल्ब बना देते थे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमने इस एक्टिविटी में ये भी देखा कि भले ही उन ओनियन बल्ब्स का साइज़ अलग अलग हो, लेकिन उनके अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये फंडामेंटल यूनिट्स थे, वो एक ही जैसे थे। द सेल ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम। भले ही वो जो सेल थे बच्चों ओनियन बल्ब के, ओनियन के जो सेल्स थे वो भले ही अलग अलग ओनियन से आए हुए थे, उनका साइज अलग अलग था, लेकिन उनके शेप और वो सब जो भी सेल थे वो एक ही जैसे दिखते थे। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट यू सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब। और यही स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो थे बच्चों, यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स थे उस ओनियन बल्ब के। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ ओनियन नहीं बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अराउंड में होते हैं सबके सब सेल्स से ही बने होते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं बच्चों जो कि एक ही सेल अपने आप में ही वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है। बच्चों कुछ बातें हम लोग जाने पहले सेल के बारे में, कि सेल आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया गया था बच्चों रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। ये ईयर याद रखना और साइंटिस्ट का नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मीन्स दैट बच्चों पहला। तो उन्होंने क्या किया था कि एक कॉर्क के स्लाइस में उन्होंने सेल को पहली बार डिस्कवर किया था अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा। लिवानो एक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द प्री लिविंग सेल्स इन पोंड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। और इन्होंने क्या किया था बच्चों कि पहली बार लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। परकिंजे इन 1839 क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। परकिंजे 1839 में उन्होंने जो भी सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस था उसको उन्होंने, या फ्लूइड सब्सटेंस था उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा था। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कम्पोज ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रजेंटेड बाई टू बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड स्वान। बच्चों सेल थ्योरी दिया था किसने, शेल्डन एंड स्वान ने। और इसमें यह कहा गया था कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं, और सेल जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट होते हैं लाइफ के। तो ये स्वान और शेल्डन ने कहा था। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चू, जिन्होंने कि 1855 में ये सजेस्ट किया था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये विर्चू थे जिन्होंने कि सेल थ्योरी को थोड़ा और एक्सपेंड किया, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी
सेल होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1940 में, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब 1940 में खोजा गया, उसके बाद ही ये संभव हो पाया कि सेल के अंदर के जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, उनकी स्टडी की जा सके और सेल के अंदर जो भी वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी की जा सके। तो बच्चों ये पांचों चीज़ें, छह चीज़ें हैं यहाँ पे कि मतलब पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक 1665। पहली बार लिविंग सेल को किसने किया था, तो पोंड वाटर में लिवानोएक ने 1674 में। उसके बाद से न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसके बाद से पार्किंजे ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। उसके बाद से सेल थ्योरी को किसने दिया था, सेल्डन एंड स्वान ने। उसके बाद से विर्चो ने क्या किया था, 1855 में उन्होंने एक्सपेंड किया था सेल थ्योरी को, और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। इतनी चीज़ें बच्चों आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग लेंसेज का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद से ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का और भी ज़्यादा हम लोग उसके बारे में अच्छे से जान पाए। इट नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। ये भी चीज़ एज्यूम किया गया, ये भी चीज़ माना जाने लगा, पता चला कि एक सिंगल सेल, एक ही सेल अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस करने में सक्षम होता है। एक सिंगल सेल भी हमारी तरह ही जिंदा रह सकता है। जैसे कि सिंगल सेल के कुछ ऑर्गेनिज्म से बच्चों, जिनका नाम है अमीबा है, क्लैमाइडोमोनास है, पैरामेसियम है एंड बैक्टीरिया है। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनमें एक ही सेल होता है और ये सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। दीज ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। यूनि मतलब सिंगल और ऑर्गेनिज़म मतलब ऑर्गेनिज़म। तो बच्चों ये ऑर्गेनिज़म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। ऑन द अदर हैंड, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहीं पर दूसरी तरफ बच्चों हम लोग देखें तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे सेल्स मिलकर उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाते हैं और फिर वो एक होल ऑर्गेनिज़म के रूप में, मतलब सारे सेल्स का ये कलेक्शन एक होल ऑर्गेनिज़म के रूप में कन्वर्ट होके और सारी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। कैन वी फाइंड, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं। मल्टी सेलुलर मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनमें मेनी सेल्स हों, एनिमल्स विच कम्पोज ऑफ मेनी सेल्स। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। क्या हम लोग कुछ और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स का नाम बता सकते हैं? तो बच्चों क्लास 8 में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग जरा क्लास 8 की किताबें खोलिएगा, आप लोगों को और भी नाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के पता चलेंगे। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जैसे कि हम ही हैं बच्चों, वो एक सिंगल सेल से ही बना है। हम लोग किससे बने हैं, एक स्पर्म सेल और एक ओवम, दोनों जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या है बच्चों, एक सिंगल सेल है, ठीक ना। तो हम लोग भी क्या हैं, हम लोग भी अराइज हुए हैं कैसे, एक सिंगल सेल से ही, हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। सेल जो होती हैं बच्चों ये डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद अपनी तरह के और सेल्स बनाती हैं। ऑल सेल्स दज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसी बात से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलकर बनी है। जैसे कि हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन हम लोग किससे बने हैं, जाइगोट से। जाइगोट क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है बच्चों। ये सेल का जो डिवीज़न होता है हमारी बॉडी में, ये दो प्रोसेस के द्वारा होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, जिसके बारे में हम लोगों को क्लास 11 में ज़्यादा पढ़ना है। और
यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो आप लोग रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास बस इतने ही, एक्टिविटी नंबर 5.2 और इसके आगे की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।